जानिए कि क्यों नहीं आए खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बर्थडे में। वैसे खबर बनाने वाले कुछ भी बनाते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या वजह रही जो खेसारी लाल यादव नहीं आए पवन सिंह के बर्थडे में। वैसे खबर बनाने वाले तो ये भी बना सकते हैं कि पवन सिंह के बर्थडे में रितेश पांडे आए, इस वजह से खेसारी लाल यादव वहाँ नहीं आए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। खेसारी लाल यादव को अगर ना आना होता तो खेसारी लाल यादव सुबह जाके पवन सिंह के घर केक नहीं काटते। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जब कोई काम करते हैं तो दिल से करते हैं। हमने इससे पहले कई वीडियोस में बताया है कि खेसारी और पवन के बीच की अब दूरियाँ जो हैं वो कम हो चुकी हैं। अब ये दोनों में बहुत सारा वाला प्यार तो नहीं है, लेकिन एक बड़े और छोटे का आदर है, रिस्पेक्ट है, और भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए ये दोनों एक साथ संकल्पबद्ध है। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्यों खेसारी लाल यादव नहीं आए पवन सिंह के बर्थडे में। तो हम आपको यहाँ ये बता दें कि खेसारी लाल यादव का कुछ शूट था जो कि बहुत ज़रूरी था, और इस बात को खेसारी पहले से ही जानते थे कि शाम को पवन सिंह ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। और ये भी जानते थे खेसारी कि पवन सिंह उन्हें इनवाइट भी करेंगे। ये भी जानते थे खेसारी कि अगर उन्हें इनवाइट किया गया और वो नहीं आए तो पवन सिंह को बुरा लग सकता है, बहुत सारी खबरें बेवजह बनेंगी। तो खेसारी ने सबसे अच्छा तरीका ढूंढा कि पवन सिंह को सुबह में ही विश किया जाए और अलग से केक ले जाकर कटवाया जाए और एक बहुत ही अच्छा फील कराया जाए। इसके लिए खेसारी और पवन लाइव भी आए। खेसारी ने पवन को बता भी दिया कि वो नहीं आ पाएंगे शाम को, लेकिन फिर भी बदस्तूर खबरें बन रही हैं। हाँ, जो लोगों को ये लगता है कि ये दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी है, तो हम आपको बता दें छपरा आ रहा जैसे कई गाने आ जाए, लेकिन अब इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर कुछ इश्यूज हुए तो हम हैं आपको बताने के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।